गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन टी पटेल कॉमन स्ट्रीम। माय नेम इज मिक जोशी। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1, जो हमने पहले ही चालू कर दिया था, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी मेरे 2 लेक्चर हो गए, आज ये तीसरा लेक्चर है मेरा। तो उसमें पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स। तो हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा कि जो वो किसने स्टार्ट किया इन इंडियन थॉट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। कि वो हमने किसके पास से हमें मिला, तो के कौटिल्य चाणक्य के पास से हमने ये अर्थशास्त्र हुआ। फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा था कि डेवलपमेंट इन वेस्टर्न कंट्री, तो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, तो के वेस्टर्न कंट्री, और किसने किया, तो के एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि डेफिनेशन, तो हमने 3 डेफिनेशन देखी थी, एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स की। ओके, तो वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉल सैमुअलसन की डेफिनेशन से। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डेफिनेशन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या, शॉर्ट में मैं बताऊँ, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या, कि इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना है। ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करके उसमें हमें देखना है कि हमारे पर्पस क्या है। ओके, हमारा हेतु क्या, कि हमारा लक्ष्य क्या, कि हमें उसमें से ढूंढना है, वो हुआ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कोसिस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इकोनॉमिक में स्टडी किसना करना है, बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का, और हमें उसमें से क्या मिलेगा, वेल्थ ऑफ नेशन, किस तरह अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। तो इसमें ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हुई, वो किसने बोला था, एडम स्मिथ ने। उसके बाद हमने देखा कि अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इसमें भी क्या है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सभी में कॉमन चेंज क्या है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें भी यही है कि ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना है, किस तरह अपने लक्ष्य को, किस तरह अपने ध्येय को पा सके हम। ओके, तो हमारा बिजनेस इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में किस तरह हम एक्टिविटी करके अपनी जो इकोनॉमिक में बेनिफिट हो, वो हम किस तरह बेनिफिट ले सके, उसे बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स। अब थर्ड वन है लायनल रॉबिन्स। ओके, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन एंड स्केयर हैव अल्टरनेटिव। ओके, अल्टरनेटिव यूज, तो इसमें भी सेम ही है कि क्या है, स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमें स्टडी करना है, और उसमें एंड स्केयर, एंड स्केयर मीन्स क्या, ऑफ अल्टरनेटिव यूज। तो एंड एंड स्केयर ऑफ अल्टरनेटिव यूज मीन्स कि हमें किस तरह अल्टरनेटिव के, हमें कम से कम, ओके, स्केयर मीन्स क्या, कि खत्म होने से पहले किस तरह हम ये अल्टरनेटिव यूज करके ह्यूमन बींग, ओके, किस तरह हम आगे बढ़ पाए और किस तरह हम अपने, ओके, बेनिफिट ढूंढ पाए, अपने रिसोर्सेस पूरे यूज करके, ओके, पास्ट में है, प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट में हम, तो किस तरह अपने बेनिफिट ढूंढ के फ्यूचर के लिए हम जल्द से जल्द हम अपने बेनिफिट ढूंढ पाए। ओके, तो ये हमने तीनों 3 डेफिनेशन देख ली, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉल सैमुअलसन की डेफिनेशन। ओके, तो इसमें कहा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूसिंग विथ और विथाउट मनी, ओके, एंड टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्स दैट कुड नॉट हैव अल्टरनेटिव यूज टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन देन फॉर द कंजप्शन नाउ और द फ्यूचर एंड लॉन्ग वेरियस पर्सन इन द सोसाइटी इन एनालिसिस कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न और रिसोर्स एंड एलोकेशन। ओके, तो ये हमने पॉल सैमुअलसन क्या कहने चाहते हैं कि हमें कौन सा स्टडी करना है, ह्यूमन बिहेवियर की, उसमें हमें क्या देखना है, मनी है हमारे पास कि नहीं, विथ और विथआउट मनी,
उसमें से हमसे क्या करना है, स्केयर ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स। स्केयर ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स मीन्स क्या, कम से कम ओके सब ऑल्टरनेटिव यूज करके हम अपने रिसोर्स और कमोडिटी ओवर मीन्स प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कम से कम और ऑल्टरनेटिव यूज करके प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर ओके कंजप्शन कर पाए। प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह हम कंजप्शन करके अपने कॉस्ट और बेनिफिट को इम्प्रूविंग कर पाए, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। ओके अंडरस्टूड, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी एंड अप चूसिंग विथ विदाउट मनी ऑफ एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्स दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूज और टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर कंजप्शन और इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पर्सन इन सोसाइटी इन वेरियस कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न एंड ऑफ रिसोर्स ऑफ एलोकेशन। तो इसमें हमें कहा है कि किस तरह पीपल अपने विथ और विथाउट मनी ओके डेली रूटीन वर्क्स में कि किस तरह कम से कम कम होने से पहले स्केयर प्रोडक्टिव अल्टरनेटिव यूज निकाल कर उसमें हम कंजप्शन कर पाए प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए ओके कम से कम बेनिफिट अपने कॉस्ट और बेनिफिट निकाल के हम कर पाए उसे बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स। अब आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें दो आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या, एज अ फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में होना उसको अब हम देखेंगे। एक्टिविटी परफॉर्म विथ अ पर्पस, एक्टिविटी इज ए फॉर्म ऑफ पर्पस परफॉर्म विथ ए गेटिंग गेटिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इनकम। ओके तो हमें क्या है कि परफॉर्म किस में करना है, किन के फॉर्म में करना है, इनकम के ओके इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। ओके गुड्स में सर्विस में एंड अ फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हमें क्या देखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, हमारा पर्पस क्या है मेन, के परफॉर्म ए गेटिंग बेनिफिट, तो हमें किस तरह बेनिफिट कर सके अपने इनकम में ओके उसमें गुड्स भी आता है सर्विस भी आता है, किस तरह हम प्रोवाइड करके कौन से फॉर्म में आता है, मनी फॉर्म में ओके इन शॉर्ट ए फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट, तो किस तरह हम कॉस्ट को अपने बेनिफिट निकाल कर ओके वो एक्टिविटी कौन सी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हुई, तो नॉन इकोनॉमिक डिफरेंस इसका होगा वो भी देख लेते हम। ओके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम देख लेते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है कि एक्टिविटी विच इज परफॉर्म ओके
विथआउट, इसमें क्या है मनी है, और इसमें क्या होगा विथआउट द स्पेसिफिक पर्पस, इसमें हमें कोई पर्पस नहीं होता हमारे ऊपर, ओके उसमें मनी होता है। अब ऑब्टेन इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ए परफॉर्म पर्पस ए गेटिंग बेनिफिट ऑफ इनकम एंड इन्वॉल्विंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ए फैक्टर एज वेल एज इन्वॉल्विंग कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमी। तो हमें किस में कॉस्ट में होगा ओके किस तरह अपना बेनिफिट ढूंढ पाए एज ए मनी फॉर्म, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा परफॉर्म विथआउट स्पेसिफिक पर्पस, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, इसमें अपना बेनिफिट होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। फॉर एग्जांपल एनजीओ, हम सर्विस करते हैं, सर्विस टू कंट्री ओके, ह्यूमन बींग की सर्विस के किस तरह हम लोगों की सेवा करना, वो क्या होगा नॉन इकोनॉमिक। अंडरस्टूड? तो हमने देखा आज के चारों चार डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की, शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किस तरह हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कर पाए और उसमें कम से कम जो स्केयर एंड हमने देखा ओके स्केयर खत्म होने से जो रिसोर्सेस हमारे खत्म होने वाले हैं उसे हम ऑल्टरनेटिव यूज में प्रेजेंट को फ्यूचर में किस तरह करके तो हमें वो कर पाए उसे बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तब पहले हम देख लें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या ओके तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, हमें किसका स्टडी करना है इंडिविजुअल यूनिट्स का ओके वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसमें क्या है मैक्रो में स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ऑल यूनिट्स, ऑल यूनिट्स मींस सभी यूनिट्स का। फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको कि हमें ग्रोथ रेट है ओके फिर एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में हमें स्टडी करना है, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी होगा ग्रोथ रेट एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, तो उसमें हम स्टडी करेंगे खाली एक का ही तो उसे बोलेंगे हम इंडिविजुअल यूनिट, वो क्या होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी का स्टडी करना है ओके जैसे पॉपुलेशन है ग्रोथ रेट है फिर हम देखें पॉवर्टी है उसके बारे में सभी यूनिट्स का स्टडी करेंगे उसे बोलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा। उसका सेकेंड पॉइंट है कि वन सिंगल यूनिट ओके कि हमें वन यूनिट का स्टडी करना है सिंगल यूनिट, और इसमें ऑल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम देखें पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ओके इसमें क्या स्टडी करना है इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करना है, और इसमें पॉवर्टी पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑल यूनिट स्टडी करना है बराबर सभी यूनिट्स का स्टडी करना है। तो हमें इसमें क्या करना है
माइक्रो इकोनॉमिक्स ओनली इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टडी करें तो खाली अकेला पॉपुलेशन ही करना है, तो पॉवर्टी और ग्रोथ रेट करना नहीं है। जैसे पॉवर्टी किया तो ये दोनों नहीं आएंगे, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि पॉवर्टी हमें स्टडी करना है, पॉपुलेशन स्टडी करना है, ग्रोथ रेट स्टडी करना है, ओके सब भी यूनिट्स का स्टडी करें वो हम उसे क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो? ओके तो आज हमने पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, तो हमने चारों चार डेफिनेशन देखी। ओके तो चारों चार में से कॉमन थिंग्स क्या आई कि इकोनॉमिक्स स्टडी इज ए ह्यूमन बिहेवियर, तो किसका स्टडी करना है, ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करना है। ओके उसमें डे टू डे डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह अपना बेनिफिट ढूंढे अपने पर्पस के लिए, ओके हमें हमारा पर्पस ढूंढना है उसमें डेली लाइफ में किस तरह, और स्केयर रिसोर्सेस, ओके जो रिसोर्सेस खत्म होने वाले हैं उसे किस तरह अपने प्रेजेंट को फ्यूचर में कंटिन्यू कर सके, उसके लिए हमें वो रिसोर्स को किस तरह हम यूज कर पाए अल्टरनेटिव यूज कॉस्ट और बेनिफिट के लिए, ओके तो उसे बोलेंगे हम इकोनॉमिक्स। तो वो किसने, चारों चार हमारे गुरुस ने दिए, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, पॉल सैमुअलसन ने, वो चारों चार। उसके बाद हमने स्टडी किया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ओके तो इकोनॉमिक क्या है कि इकोनॉमिक में हमने स्टडी किया कि इकोनॉमिक कौन से फॉर्म में होती है, मनी फॉर्म में, ओके मनी के रिलेटेड होती है कि उसको हमें किस तरह हम अपने इनकम कर पाए, और नॉन इकोनॉमिक क्या है कि परफॉर्म विथआउट स्पेसिफिक पर्पस, तो उसमें हमारा स्पेसिफिक पर्पस होता है, हमारा बेनिफिट होता है। इसमें क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक में कोई बेनिफिट नहीं, ओनली सर्विस, किस तरह हम सेवा कर पाए वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद हमने देखा माइक्रो एंड मैक्रो, तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या है। माइक्रो मीन्स क्या, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी एंड एनालिसिस करना है कौन सा, तो के इंडिविजुअल यूनिट का ही स्टडी करना है हमें। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करना है के स्टडी ऑफ ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स का स्टडी करना, उसे बोलेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। अंडरस्टूड? तो हमने ये माइक्रो और मैक्रो देखा, उसका डिफरेंस दूसरा क्या है कि सिंगल यूनिट, फॉर एग्जांपल हम देख ले पॉवर्टी का स्टडी करना है कि हमारे देश में कितने गरीब है, ओके तो किस तरह हम स्टडी करेंगे सिंगल यूनिट्स, तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, तो के ऑल यूनिट्स, सभी यूनिट्स का स्टडी करना, जैसे पॉवर्टी हो, पॉपुलेशन हो, ग्रोथ रेट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, कि हमारे देश में ये सब की हम स्टडी करें, उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके एग्जांपल ये है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करना, ओके हमें क्या स्टडी करना है, ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स, तो उसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, ओके ऑल यूनिट्स आर स्टडी, तो सब भी यूनिट्स के स्टडी करना, उसे हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद के हम करेंगे क्या है कि इसके बाद के जो टॉपिक है अब हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके थैंक यू।